Outrage continues to pour out here in Mumbai, even as Maria Susairaj has walked free after serving her sentence of 3 years that she was given after being held guilty for destruction of evidence. Joining me now, Neeraj Grover's friends. Chetan, you know, there's now also an offer, a standing offer from Ram Gopal Varma to Maria Susairaj, saying he's willing to cast her now that she's out. Well, I guess Ram Gopal Varma should take some cues and learn from Mr. Shekhar Kapoor. Shekhar Kapoor made Bandit Queen, but he waited for a while. He didn't go around making Bandit Queen a full and they were shooting people. Ready. So I guess he should take some cues from there and learn from Mr. Kapoor. आपका क्या ख्याल है? राम गोपाल वर्मा जी को ये ऐसे ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाने का मुझे नहीं मालूम क्या शौक है. और एज ए टेक्नीशियन आज हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री में सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुए हैं कि जो हम ऐसे लोगों को लेके पिक्चर बनाएं. यहाँ पर बॉम्बे एक आदमी आता है अपने ख्वाहिश लेके कि मुझे हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, और वो आके अगर यहाँ पर ऐसे केसेस में फंस जाता है और वो 3 साल जेल में रह के और वो निकले और उसको अगर राम गोपाल वर्मा हीरोइन लेते हैं, तो ये दूसरे जितने लोग बॉम्बे आते हैं ख्वाब लेके कि हमको ऐसा करना है और वो 10-10 साल यहाँ अपनी ज़िंदगी काट देते हैं, उनको नहीं मिलता है. लेकिन ऐसे अगर वो केस देखते हैं तो वो इस चीज़ को आगे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे केसेस को बना सकते हैं कि उनको मालूम है हम 3 साल जेल में रहेंगे, 2 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद तो हमको हीरो हीरोइन बनना ही है. क्योंकि राम गोपाल वर्मा जैसे लोग अगर रहेंगे, ऐसे लोगों को हीरो हीरोइन लेंगे, तो ये आगे इस चीज़ को बढ़ावा देने वाली बात है. 3 साल मारिया को अगर स्ट्रगल करती तो राम गोपाल वर्मा शायद कभी नहीं मिलते, लेकिन उसने ये इतना ये मर्डर के अंदर आई और उसके बाद छूटी और राम गोपाल वर्मा अगर उसको ले रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाली बात है. और राम गोपाल वर्मा जी को मुझे समझ में नहीं आता कि यही सब सब्जेक्ट क्यों दिखते हैं इनको. टेक्नीशियन है, अपना खुद सब्जेक्ट बनाया, आप पब्लिक को दिखाएं, आप उनको वही लोकेशंस पे जाना है जो टोटल कंट्रोवर्शियल है. साथ ही आप नीरज ग्रोवर के पेरेंट्स के साथ भी बात कर चुके हैं, उनकी क्या राय है? आज मारिया छूट गई है, वो अपने घर जा सकती है, वो चाहे जो कर सकती है, ये देख के बहुत सारे लोग, सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग मुंबई में बहुत उत्तेजित है. देखिए, ये बात एक पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, कोई भी पेरेंट्स होगा अगर उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है और उसकी जस्टिस का अगर वो वेट कर रहे हों, और ऐसा इतना ख़तरनाक क्राइम जो उनके बेटे का मर्डर इतना बुरी तरह से किया गया हो, उसके टुकड़े करे गए हों, और फिर उसका जस्टिस का अगर वो वेट कर रहे हों, सारे केसेस जो हैं फेवर में, सारे एविडेंस उनके फेवर में हों, उसके बाद रिजल्ट जो है वो अगर उनके बेटे के फेवर में नहीं आए, तो ये सारे पेरेंट्स के लिए एक मतलब सिस्टम के अगेंस्ट वो हो जाएगा कि कभी भी फिर आदमी भरोसा नहीं करेगा कि क्या होने वाला है आगे. तो आगे आपकी तरफ से आप क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान तो यही है कि मतलब प्लानिंग इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है सब सामने है, और इन चीज़ों को ही हम आगे इसके ऊपर वाली कोर्ट में लेके जाएंगे, उसके ऊपर वाली कोर्ट में. जब तक पिन कॉल नीरज ग्रोवर के लिए जस्टिस फॉर नीरज ग्रोवर व्हिच इज गोना बी लॉन्च्ड बाय अस टुडे इन द इवनिंग एंड होपफुली फ्रॉम देयर आई से वी विल टेक इट फॉरवर्ड. 5 साल पहले 10 साल पहले अगर हमारे देश में ऐसा होता तो हम लोग सिस्टम के ऊपर उंगली उठा सकते थे, बट आज जितना के हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चेंज आ चुका है और हम लोग नहीं, अब वो सब सिस्टम में गड़बड़ी है, ये है, उसके बाद इस टाइम में 2011 में अगर ये ऐसा आता है रिजल्ट, तो ये तो फिर आप क्या कहेंगे इसको, किसकी इसके अंदर कमी कहेंगे, सिस्टम की? और नीरज ग्रोवर को आप जानते थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना मुश्किल था ये पूरा ये कोर्ट केस देखना, और फिर उसके बाद ऐसा वर्डिक्ट आता है, तो सच में बहुत किसी भी पेरेंट्स के लिए दुखदायी होगा. क्योंकि एक आदमी जब मरता है तो उसका लास्ट राइट जो होता है तो ये होता है कि आदमी अपने बच्चे को, अपने करीबी आदमी को देख ले एक बार मरने से पहले. लेकिन इन लोगों ने उसको उस कंडीशन में नहीं छोड़ा था, उन्होंने किसी माँ बाप ने अपने बेटे के बॉडी के पीसेस देखे, वो चेहरा भी नहीं देख पाए लास्ट टाइम उनको. तो उनको एक होप ये होती है कि इस केस की सज़ा उनके गुनाहगारों को मिल जाए, वहाँ पर एक उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज हमारे बेटे का सब खत्म हुआ, क्लोज. 3 साल वो लोगों ने एक एक दिन एक एक घंटा मरे होंगे कि अब इसका रिजल्ट आएगा, अब इनको सज़ा मिलेगी, अब इनको सज़ा मिलेगी, और 3 साल के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है. NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.